हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं रिलेशनशिप हीलिंग, एक छोटी सी मेडिटेशन जो आपकी किसी भी रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आप उस मेडिटेशन को हर दिन करोगे, आपका रिलेशनशिप में चेंजेस आप खुद फील करना शुरू कर दोगे। तो रिलेशनशिप बहुत ही आसान होते हैं, उनमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो वही इमोशंस के जब हमारे अंदर कमी हो जाती है, जैसे कि हम अपने अंदर अभाव फील करते हैं, प्यार की कमी फील करते हैं, या दूसरों के प्रति गुस्सा या जलन रखते हैं, तब रिलेशनशिप वहाँ पे बिगड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपने आज के इस मेडिटेशन के दौरान आप कोई भी एक रिलेशनशिप को चूज़ करोगे जो इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा खास है, जिसे आप ठीक करना चाहते हो। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, मुझसे होप नो अपनो हीलिंग कोर्स कर सकते हो, उसमें भी आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। कम से कम एक महीना अपने आप को आपको देना ही पड़ेगा किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए। तो पर्सनल सेशंस लेना चाहते हो, उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आज की मेडिटेशन के लिए एक शांत जगह पर बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद करके जैसे जैसे मैं गाइड करते जा रही हूँ, आप वैसे ही मेरे साथ इस मेडिटेशन को करते जाइए। सो क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करके अपने दिल पर दोनों हाथ रख सकते हैं। एक लंबा और गहरा सांस लें और धीरे धीरे उसे जाने दें। एक और लंबा और गहरा सांस भरें और उसे भी धीरे धीरे खाली कर दें। इस पल में पूरा ध्यान अपने ऊपर लेकर जाएं, अपनी एनर्जी को महसूस करें, अपने शरीर के प्रति पूरा अवेयरनेस रखें कि आपको क्या क्या महसूस हो रहा है। एक लंबा और गहरा सांस भरें एंड ब्रीद आउट। अपना ध्यान अपने थर्ड आई पर ले जाएं, अपने आईब्रोज के बीच में, अपने फोरहेड पर। वहां पर ध्यान रखते हुए अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। अब अपने उस एक रिलेशनशिप को, उस एक पर्सन को याद करें, उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आएं, जिनकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ होती है, आप बहुत परेशान फील करते हो, आपके अंदर बहुत नेगेटिव इमोशंस चलते हैं पास्ट की कुछ बातों को लेकर या फ्यूचर की किसी बात के बारे में सोचकर। जो भी आप फील करते हैं, उस एक रिलेशनशिप को याद करें और उस पर्सन को इस पल में अपने सामने महसूस करें। महसूस करें कि वो अभी इसी पल में यहीं पर हैं, उनकी प्रेजेंस आपको कैसा महसूस करवा रही है। डर, चिंता, घबराहट, सैडनेस, या आपका रोने का मन हो रहा है, जो भी आप फील कर रहे हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लें। आपके और उनके बीच में जो भी बातचीत हुई जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो इस रिलेशनशिप में, सारी बातचीत के लिए फॉरगिवनेस करें। आप चाहें तो अपने मन में उन्हें सॉरी बोल सकते हैं कि पास्ट में जो भी गलती हुई, मुझसे जो भी वर्ड्स मेरे मुंह से निकले या जो भी विचार मैंने अपने मन में आपके प्रति गलत रखे, मैं उसके लिए पूरी तरह से माफ़ी मांगती हूँ। और इस नेगेटिविटी को अपने मन में लेकर आने के लिए, अपने रिलेशनशिप में लेकर आने के लिए मैं पूरी जिम्मेदारी उठाती हूँ। मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाती हूँ। मैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती हूँ। जब आप ये सब कुछ बोल रहे हैं तो उनकी आंखों में देखते जाएं, उन्हें कैसा फील हो रहा है वो भी नोटिस करें। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल देखें, उनकी आंखों में अपने लिए प्यार, दया की भावना, कंपैशन, इस तरह के इमोशंस को महसूस करें और वही इमोशंस उनकी आंखों के जरिए आपके शरीर में उतर रहे हैं, आपके दिल तक पहुंच रहे हैं। फील करें इसे, एक
क्लम्ब और गहरा सांस लें और धीरे धीरे उसे जाने दें। अब आपके और उनके बीच में जो भी नेगेटिव बातें हुई या जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा, उसमें उन्होंने किस तरह से नेगेटिवली पार्टिसिपेट किया जिसकी वजह से आपको तकलीफ पहुंची, आपको हर्ट हुआ, अब उन्हें बोलता हुआ सुने कि वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं उन सारी बातों के लिए जो उनकी ओर से गलत हुई। वो सारे शब्दों को सुने जो आप सुनना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपने बुरे बर्ताव के लिए पूरी तरह से माफ़ी मांगती हूँ, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, एंड आई प्रॉमिस कि अब से मैं उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। इस रिलेशनशिप में अपनी ओर से पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाऊँगी। इस रिलेशनशिप में मैं आपके प्रति प्यार, दया की भावना, कंपैशन, इस तरह के पॉजिटिव इमोशंस ही आपको भेजूंगी। ये सारे वर्ड्स आप अपने सामने वाले पर्सन के मुंह से सुनने की कोशिश करें, आपके कानों में उनकी आवाज़ पड़ते हुए महसूस करें, जैसे कि वो आपके कान के पास आकर ये सारे वर्ड्स बोल रहे हैं, दैट आई रियली लव यू, पास्ट की सारी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, आई प्रॉमिस आज से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस ही भेजूंगी, सिर्फ और सिर्फ प्यार की वाइब्रेशन ही भेजूंगी। अब इमेजिन करें कि आपने उन्हें अपने गले से लगाया है और पूरी तरह से फुली एक्सेप्ट किया है आप दोनों ने एक दूसरे को। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे इस मेडिटेशन में, 1 महीना 2 महीना बीत चुके हैं और आप बहुत प्यार से, बहुत ही अच्छे भावनाओं के साथ इस रिलेशनशिप में ग्रो कर चुके हैं। आप साथ में समय बिताते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं। ये सब कुछ आपके जीवन में हो रहा है उनके साथ जिनके साथ भी अपने रिलेशनशिप को आप ठीक करना चाहते थे। अभी आज इसी पल में वो रिलेशनशिप ठीक हो चुका है। जब वो ठीक हो चुका है और इस बात को 2 महीने बीत चुके हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अपनी फीलिंग को चेक करिए इसी पल में, उसे बढ़ने दें, उसे और ज़्यादा बढ़ने दें, उसे ब्रह्मांड में भेजते जाएं कि यही सच है, यही मैं अपने जीवन में चाहती हूँ कि ऐसा ही हो। अपने हंसते हुए चेहरे को देखें, अपने साथ वाले पर्सन के चेहरे में मुस्कुराहट देखें, उनकी आंखों में खुशी की चमक देखें, आपके लिए प्यार देखें, और जितना भी टाइम आपका मन करे उतना टाइम इसे विजुलाइज करते जाएं। यही आपकी नई रियलिटी बना रहा है। कुछ पल इसी तरह से बैठे और एक लंबा और गहरा सांस लेते हुए वापस से अपने अभी के इस पल में आने की कोशिश करेंगे। एक लंबा और गहरा सांस लें एंड ब्रीद आउट। धीरे धीरे अपने हाथों को रब करेंगे और अपने पूरे फेस पर इसे स्प्रेड करते हुए ये जो भी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर अभी जनरेट हुई है उसे अपने हार्ट और चेस्ट के सेंटर में आप एब्जॉर्ब करेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये कुछ मिनट्स की मेडिटेशन करके कैसा लगा। अगर इसी तरह के और अनुभव करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए, आपको 1 महीने के अंदर अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस मिलेंगे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, जिन्हें भी ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।